देखिए हमने क्वेश्चन नंबर करना है 14, चैप्टर 35, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कंसीडर ए स्ट्रेट पीस ऑफ कंडक्टर जिसकी लेंथ x है, कैरिंग ए करंट i। लेट बी द पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीस। इसमें ऐसा बोला गया है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसकी कुछ लेंथ है x, और इसके बाइसेक्टर मतलब बीचों बीच एक बिल्कुल थोड़ी दूरी पे आपको क्या बताना है, फील्ड बताना है, ठीक है। और वो फील्ड ऐसे वेरी करना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस x और ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे d, इन दोनों को अगर हम चेंज करें तो फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये हमने इस क्वेश्चन में निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम में इसको समझेंगे, ये एक स्ट्रेट पीस है जिसका लेंथ है एक्स, और इसके थोड़ा सा दूरी पे हमने डिस्टेंस पे हमने फील्ड बताना है, और एक्स सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस एक्स। और इसको थोड़ा सा रिकनेक्ट करते हैं, ये इसको हम डी लेते हैं क्योंकि दोनों ही एक्स हो गया। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जब करंट फ्लो होता है तो करंट कैसे, देखिए हमने एक इक्वेशन में पढ़ा था कि जब स्टेट कंडक्टर के कारण कहीं फील्ड निकालते हैं तो उसका जो कैलकुलेशन है, फॉर्मूला है, वो है म्यू नॉट आई 4πr sin ∅1 + sin ∅2। इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे जो r है, यहाँ पे उसको d माना गया है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, और मान लो यहाँ से हमने दो लाइंस ड्रॉ की बाइसेक्टर के लिए, ये एंगल हमने माना फाई वन और ये एंगल लिया हमने फाई टू, और ये डिस्टेंस हमारा हमने लिखा डी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बी वन मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट, जो करंट फ्लो है आई। अच्छा, सबसे पहले डायरेक्शन बताते हैं हम, डायरेक्शन कहाँ है ये देखो, ये राइट थंब रूल से अगर आप करंट की डायरेक्शन देखो तो ये है करंट की डायरेक्शन और ये है फील्ड आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड टू द प्लेन, इस प्लेन से वो बाहर की तरफ, तो यहां पे हम डॉट बना सकते हैं। अब म्यू नॉट आई 4πd sin ∅1 + sin ∅2, इसको ऐसा लिख सकते हैं, फाई वन और फाई टू ऑलमोस्ट सेम है तो हम इसको फाई मान सकते हैं दोनों को। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4πd और ये हो गया 2 sin ∅। ओके, नाउ हमारे पास जो गिवन है, हमारा रिजल्ट उसी में ही आएगा। तो हमारे पास गिवन है x d, तो इसको ऐसे एडजस्ट करो साइन फाई को ताकि ये d और x की फॉर्म में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एंगल है फाई वन, अगर ये दूरी अगर हम आधी तय करें तो x बाई टू, और साइन का कंसेप्ट क्या होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस, तो x बाई टू। अब ये वाली क्वांटिटी हमें नहीं पता तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से रिड्रॉ करते हैं। तो ये इसका नाम रखते हैं हम OP, तो OP कितना होगा, x बाय टू होल स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर और रूट, तो OP फाइनली क्या आएगा, x स्क्वेयर बाय 4 प्लस डी स्क्वेयर। देन वी पुट द वैल्यू म्यू नॉट आई 4πd 2 साइन x by 2 डिवाइड बाय x square by 4 प्लस डी स्क्वेयर, तो आप इसको यहां रखेंगे तो ये आएगा x by 2 और इधर आएगा डी स्क्वेयर बाय x square by 4, दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। नाउ हमें क्या शो करना है कि शो दैट फॉर d इज ग्रेटर देन x द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट एट v वेर इज एज this equation 1 by d square, whereas for d is smaller than x then it varies as 1 by d। तो कैसे करेंगे यहाँ पे हम, if d is greater than x then x square is considered to be neglect, इसको हम neglect कर सकते हैं। अगर ये d बहुत दूर हो जाए तो ये x लगभग बहुत छोटा हो जाएगा, तो x अगर छोटा हो गया, मान लो x की वैल्यू 0.1 है तो x square की वैल्यू कितनी होगी, तो 0.01
उसका स्क्वायर और छोटी हो जाएगी, सॉरी। तो इसमें हम जब हम इसको लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे इसको इस अरेंज में बनाते हैं हम, b इज इक्वल टू म्यू नॉट i 2, चाहो आप इसको इसको काट सकते हैं हम इसको, ये 2 से 2 कट गया तो ये हम यहाँ पे चाहें या ना लिखें 4 पाई d रूट d स्क्वायर। ये x क्यों रखा हमने, इसको क्यों नहीं नेगलेक्ट किया, अगर इसको ही नेगलेक्ट कर दोगे आप तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि x बहुत छोटा हो गया, छोटा इन द सेंस इसकी वैल्यू पॉइंट में आती है, तो x का स्क्वायर, ये देखिए x का स्क्वायर, अगर x का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो हम उसकी जो बड़ी वैल्यू पावर है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप इसको स्क्वायर से करोगे तो फाइनली क्या आएगा रिजल्ट, x 4 पाई d स्क्वायर कट गया तो ये अगेन d स्क्वायर हो गया, तो आ गया हमारा रिजल्ट। तो b as varies inversely proportional to d स्क्वायर, ये हमारा पहला रिजल्ट आता है। सेकंड रिजल्ट हमें क्या बताना है कि d इज स्मॉलर देन x, देन नाउ इसी को हम दोबारा रिपीट करते हैं फॉर्मूले को, अगर d बहुत छोटा हो जाए, d बहुत छोटा हो जाए तो देखिए अगर ये बहुत छोटा हो गया बिल्कुल 0.1 जैसा हो गया तो d का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो सेम वही पैटर्न अपनाते हैं हम x डिवाइड बाय 4 पाई d, अब ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो, और x स्क्वायर बाय 4 इसको अगर करोगे तो ये कितना हो जाएगा x बाय 2, ठीक है, और ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये अगेन ये x से x कट जाएगा, तो फाइनली वैल्यू क्या आई, म्यू नॉट i, इसको ऊपर लेके जा सकते हैं हम 2x, ये यहाँ से हटके ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 2i और 4 पाई d, तो b फाइनली क्या आ गया, म्यू नॉट i 2 पाई d, तो आ गया हमारा ये वैल्यू भी 1 बाई d। तो ये था हमारे क्वेश्चन 14 का आंसर सॉल्यूशन, आप चेक करिए इसको, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो सिंपल है, आप खुद से करिए उसको। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम ध्यान देते हैं, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज करंट आई, लेट बी वन बी द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द वायर। डायग्राम में आप देखिए ये बहुत लंबा एक स्ट्रेट वायर है जिसमें एक आई करंट फ्लो हो रहा है, आप उसकी डायरेक्शन कैसे भी चेक कर सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड। नाउ ए पॉइंट पी पे आपको इसके कारण, अब एक चीज़ है इसमें जब ये इसको बहुत आपने लंबा ले लिया तो आप इसको अगर आप कहीं पे एंगल बनाओगे तो लगभग ये एंगल ऑलवेज 90 के नियर आता है, तो हम इसको जब इसका फील्ड यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे तो उसमें क्या लिखना है, हमने ये पी पॉइंट डी दूरी पे और पूरे कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो कितना बना, म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन फाई वन साइन फाई टू। अब ये फाई वन जो है वो यहां से ड्रॉ किया जाता है एंगल, इधर से एंगल ड्रॉ किया जाएगा और ये एंगल लगभग ऑलवेज 90 के, क्योंकि जैसे जैसे ये पी पॉइंट नजदीक आता रहेगा ये एंगल बड़ा होता जाएगा, ये जितना बड़ा होगा उतना ही हमें ये नज़दीक लेके जाएगा 90 डिग्री के पास, तो हम इसको नियर अबाउट 90 लिख लेते हैं, तो ये साइन 91, तो आप फाइनल इस वैल्यू को क्या लिखना पसंद करोगे, म्यू नॉट आई 4 पाई डी इंटू 2, 1 प्लस 1 2 हो गया, और आप इसको ऐसे वैल्यू को लिख सकते हैं जैसे हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब इसने ये बोला गया इसमें क्वेश्चन में कि जब d डिस्टेंस पे आप b1 फील्ड बना रहे हो और उसी वायर का एक छोटा सा हिस्सा सेगमेंट l लेंथ का हमने लिया यहां से लेके यहां तक, तो इसमें जो फील्ड बना सेक्शन ऑफ लेंथ l ऑफ दिस वायर सच दैट द पॉइंट p लाइज ऑन ए परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ दिस सेक्शन, ये इस तरीके से इस पे लाई होता है कि इसका परपेंडिकुलर बायसेक्शन जो बायसेक्टर है बीचों बीच एक एंगल क्रिएट होता है यहाँ से इस और इस पॉइंट के बीच में,
पूरा एंगल बना। अब इसमें बोला गया कि ये जो बी टू फील्ड बनाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पे जो बी टू फील्ड बनाएगा वो जो बनाएगा, और फाइनल उसने बोला कि बी टू मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस सेक्शन ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाई एल। इस डी का और इस एल का एक रेशो हमें निकालना है इस तरीके से कि वो बी टू उस बी वन से कितना अलग है, डिफर्स फ्रॉम बी वन बाय 1%। तो 1% उसका रिजल्ट आएगा, जो उसका बी वन और बी टू के बीच का जो डिफरेंस है वो बी वन के 1% के बराबर है। ठीक है, अब उसमें हम कैसे करेंगे, तो देखिए बी टू की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, सेम वही कैलकुलेशन हम अप्लाई करेंगे, म्यू नॉट आई 4 पाई डी 2 sin थीटा, क्योंकि अब हमें ये थीटा नहीं पता, क्योंकि पहले तो बहुत लंबा कंडक्टर था इसलिए हमने इसको 90 कंसीडर किया था, अब ये थीटा और ये थीटा हमें नहीं पता, तो हमने क्या लिख लिया 2 sin थीटा। अब बी टू म्यू नॉट पाई 2, अब साइन थीटा हमें जो जो पैरामीटर्स गिवन है उसमें हम निकाल लेते हैं, थीटा किसके बराबर है, देखो ये क्या है एल बाय टू, और ये कितना होगा, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं एल बाय टू का स्क्वेयर प्लस डी का स्क्वेयर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा एल बाय टू और नीचे क्या हो जाएगा डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाय 4। ठीक है, हमने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि जब B1 और B2 का जो डिफरेंस है वो फाइनल किसके बराबर आया, B1 माइनस B2, क्योंकि इसके कारण जो फील्ड होगा वो कम होगा, इस पूरे के कारण जो फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा। हमें यही पता चलता है, देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाती है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कैसा है एज इट इज सेम है, ये दिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम इसमें लिखेंगे तो ये किसके बराबर हो गया, B1 का कितना परसेंट, 1/100। तो B1 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए, B1 की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे, दिस इज द B1, B1 म्यू नॉट आई 2 पाई डी माइनस B1 का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट आई 4 पाई डी, 2 से 2 हम डिडक्ट कर सकते हैं, ये हो गया L डी स्क्वेयर एल स्क्वेयर बाय 4, और ये आया फिर अगेन B1 का वैल्यू पुट करेंगे म्यू नॉट आई 2 पाई डी, और ये 100 है तो ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको 200 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको इधर ले जाओ, अब इसको इधर ले जाओ, तो ये म्यू नॉट आई 2 पाई डी माइनस म्यू नॉट आई 200 पाई डी इज इक्वल टू, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा म्यू नॉट आई एल 4 पाई डी एंड अगेन डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाय 4। अब इसमें से कॉमन वैल्यू हम लेते हैं इसमें, तो ये फाइनली क्या आएगा, म्यू नॉट आई, इसको अब डी को एज इट इज बाहर रखा, पाई को भी ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1/2 माइनस 1/200 और म्यू नॉट आई 4 पाई डी एंड ये हमारी वैल्यू हो जाएगी एल डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाय 4। जो जो कटती हैं क्वांटिटी उसको हमने काटा और यहाँ पे क्या बचा, ये बचा हमारा 99/200। अब इस एलसीएम लेंगे हम इसको, तो एलसीएम में ये वैल्यू आएगी और इज इक्वल टू एल और यहाँ बचा 4 और ये हो जा डी एल स्क्वेयर बाय 4 प्लस डी स्क्वेयर। अब इसको ऐसे अरेंज करते हैं, तो देखिए कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो स्क्वेयरिंग करेंगे हम इसको 44/200 एल स्क्वेयर बाय 4 प्लस डी स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करोगे तो 99/4 200 स्क्वेयर और ये हो जाएगा एल स्क्वेयर और ये हो जाएगा एल स्क्वेयर बाय 4 प्लस डी स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशन आती है। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो 99/4 तो इसको हम 6 और ये 39 तो 396 प्लस 40,000, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने ऐसे बनाया और इसका स्क्वेयर और ये हो गया एल स्क्वेयर बाय 4 प्लस डी स्क्वेयर। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम लिखें तो ये वैल्यू आएगी 1,518,600,4,000 और ये हो जाएगा 4 एल स्क्वेयर
एल स्क्वेयर प्लस फोर डी स्क्वेयर, ठीक है। इसमें हम अब इसको फाइनली हमने अरेंज करना है, देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चाहो इसको छोटा कर सकते हैं, हम छोटा इस अरेंज से कर सकते हैं। इसमें जो वैल्यू आई हमारी, इसको स्क्वेयर करके जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 0.08 आएगा, ठीक है, और 3.92 के आसपास आएगा। और इसको हम जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4d स्क्वेयर 3.92 प्लस 3.92 एल स्क्वेयर 4l स्क्वेयर, इसको इधर ले जाएंगे हम 3.92 इंटू 4d स्क्वेयर 4l स्क्वेयर माइनस 3.92 एल स्क्वेयर, और 3.92 इंटू 4d स्क्वेयर यह आ जाएगा 0.08 एल स्क्वेयर। और मैं इसको यहाँ लिखूँगा थोड़ा सा, देखिए 3.92 इंटू 4d स्क्वेयर 0.08 एल स्क्वेयर, ठीक है। आप इसको इधर ले आओ, डी स्क्वेयर बाय एल स्क्वेयर 0.08 3.92 इंटू 4, फिर से हम अंडर रूट निकालते हैं दोनों तरफ, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, तो डी बाय एल हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 0.08 3.92 इंटू 4। इसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर आएगा 0.07। तो हमने निकालना था डी बाय एल का रेशो, दैट इज विल बी इक्वल टू 0.07, ये हमारा सॉल्यूशन है। फिर से एक बार चेक करते हैं, पहले हमने B1 निकाला, फिर हमने B2 का वैल्यू बताया इस पूरे सेक्शन के लिए, और फिर हमने ये देखा यहाँ पे कि वो B1 और B2 में जो डिफरेंस है वो B1 के 1% के बराबर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उसको ऐसे लिखा, वैल्यूज पुट की, कैलकुलेट किया, फाइनली वी कंक्लूड दैट डी बाई एल इज इक्वल टू 0.07। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम। एक फिगर बोर्ड पे बनाया हुआ है जिसमें आई करंट फ्लो होता है, एक स्क्वायर है जिसका एड्ज ए है, एड्ज इन द सेंस ए ए ए इसकी लेंथ है, एक वाली जो ये एक स्ट्रेट वायर है। इसमें बोला गया है कि इस वायर्स ए से लेकर सी तक इस रास्ते जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा आर, और जो इस रास्ते है वो रेजिस्टेंस हमारा 2R। अब मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट द सेंटर ऑफ द लूप एज्यूमिंग यूनिफॉर्म वायर, यूनिफॉर्म मतलब बिल्कुल यूनिफॉर्म है, इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। अब देखने में लगता है कि इसमें भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और क्या पूछा आपसे, सेंटर में पूछा है। अब देखने में ये लगता है कि करंट आधा आधा बढ़ जाएगा, बट एक्चुअल में रेजिस्टेंस अलग है, और ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, ओम्स लॉ क्या बोलता है हमें, वी बाय आर, यहाँ से और यहाँ से ये वाला और ये वाला जो रास्ता है यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो जब तीन क्वांटिटी की रिलेशन होती है एक कांस्टेंट की हमने, तो एक और दूसरी क्वांटिटी का रिलेशन चेक करते हैं। वी कांस्टेंट है यहाँ पे ए पॉइंट पे, जहाँ आर ज़्यादा होगा वहाँ आई कम जाना पसंद करेगा, और जहाँ आर कम होगा वहाँ आई ज़्यादा जाना पसंद करेगा। तो जिस रास्ते जो हमारा रेजिस्टेंस है R वहाँ करंट ज़्यादा जाएगा, और जहाँ 2R है वहाँ करंट कम जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले तो हमें ये बताना है कि इसमें जाएगा कितना, तो जाने के लिए हम इसको कैसे निकालें। अगर देखा जाए कि पूरा रेजिस्टेंस R और ये 2R आपस में कैसे हैं, पैरेलल में, और पैरेलल में रेजिस्टेंस जो होगा इनका इक्विवेलेंट वो आएगा 2R बाय 3। अब I अगर आप निकालो एक रेजिस्टेंस के लिए तो वो कितना आएगा, 3 बाय 2R। मान लो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है I1, और I1 की वैल्यू है V बाय R, और I2 की वैल्यू है V बाय 2R। तो I1 अगर आप यहाँ पे चेक करो, V बाय R को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 I, तो V बाय R की जगह पे मैं अगर लिखूँ तो ये I1 V बाय R कितना हो जाएगा 2I/3। ये किसके लिए निकाला हमने, इसके लिए, और इसके लिए देखिए I2 कितना आएगा, V बाय 2R, V बाय R की वैल्यू आप रखोगे तो 2I/3 इंटू 2R, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल I2 कितना आएगा,
आई बाय थ्री। अब ये बताइए किस में से करंट ज़्यादा जा रहा है, आई वन ये वाला करंट गया। अब आपको बस हमें इसको वैल्यूज में पुट करना है फॉर्मूले में, तो बी इसके लिए बी ए बी सी इस वायर में जो करंट जाएगा वो कितना होगा, म्यू नॉट आई। अब एक चीज चेक करो, ये यहाँ पे ये कितना वैल्यू है, यही वैल्यू है ए बाय टू, ठीक है। तो म्यू नॉट आई फोर पाई ए बाय टू, ठीक है। और आप देखोगे चेक करोगे तो ये दोनों एंगल 45-45 के होंगे, तो म्यू नॉट आई ए बाय टू। अच्छा आई वन यहाँ पे मैं इसके ऐसे रखता हूँ एज इट इज, और साइन 45 तो 2/√2, साइन 45 2/√2 क्योंकि स्क्वेयर है और स्क्वेयर का जो सेंटर में एंगल बनता है 45 डिग्री बनता है। और ये होगा बी ए बी सी, बी ए डी सी वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई टू, 2/√2। मैं सीधी वैल्यू पुट करता हूँ 4πa/2। ये तो हो गया एक हिस्से के लिए, दूसरे हिस्से के लिए क्या करोगे आप, दूसरे हिस्से के लिए भी हम उसको करेंगे यहाँ पे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई, ये तो एक हिस्से के लिए है यहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड जो बनाता है, इसके लिए ये अलग मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी बनाएगा। आप देखो करंट इसमें ऐसे गया, इसमें ऐसे गया। अगर आप देखो इस वाले करंट की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, तो ये देखिए ये क्लॉकवाइज है, तो कहाँ जाएगा करंट, क्रॉस इसके लिए। अब ये कैसा जा रहा है देखे जाए तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये कहाँ दिखाएगा, बाहर डॉट। तो दोनों में से कौन ज़्यादा होगा, अब बाकी पैरामीटर सेम है बट क्या चीज़ डिफरेंट है, दैट इज करंट। जिसका करंट ज़्यादा होगा उसका फील्ड डोमिनेंट होगा, तो ये क्रॉस। तो इसमें हम अगर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे बी ए बी सी, आप चाहो इसको ऊपर लेके यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 8 म्यू नॉट आई वन। आई वन की वैल्यू बताइए, 2i/3, 2 इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया 1/√2। ओके इसका वैल्यू बताइए ए डी सी, 2 म्यू नॉट आई 4π ए, इसको 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/√2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये 8 हो जाएगा बी ए डी सी, तो ये हो गया 8 म्यू नॉट आई 4π/3a और ये हो गया √2। अब आप बता सकते हो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, तो आंसर है ये वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि 16 हो गया, तो बी ए बी सी 16 म्यू नॉट आई 4π/3√2। आप बड़ी वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू आप घटा दो या डिवाइड कर दो, दो अंश आपके तरीके हैं, तो बी ए बी सी माइनस बी ए डी सी वो कितना आएगा, तो 16 म्यू नॉट आई 4π/3a√2 माइनस 8 म्यू नॉट आई 4π/3a√2। आप में जो कॉमन वैल्यू आपको लेनी हो ले सकते हैं हम, तो क्या ले सकते हैं हम यहाँ से, ये 8 ले सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 8 4π/3a√2 म्यू नॉट आई माइनस, सॉरी कॉमन लिया आपने यहाँ से, तो ये हो गया 2 - 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 म्यू नॉट आई 4π/3a√2। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है ये वाला क्रॉस, क्रॉस हमें समझ में आता है। अब इसको इसको काटोगे तो ये कितना आएगा, 2 म्यू नॉट आई 3π/a√2। रूट टू से 2 काटोगे तो आप क्या आएगी वैल्यू, 2√2 म्यू नॉट आई 3π/a। तो यही हमारा आंसर था। और क्रॉस हमें क्या शो करता है, क्रॉस हमें ये शो करता है कि जो क्लॉकवाइज करंट है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, ज़्यादा वैल्यू का है, इसलिए फील्ड भी उसी के कारण ज़्यादा बनेगा, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। आप चेक कीजिए इसको, ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बस आप कितना समझते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को उस पर ही ये लागू होता है।
ये बोल रहा है कि आपकी चार बैटरी एक सर्किट में आपको दिखाई बना के, और इनका EMF दिया गया 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, और आपसे पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताना है आपको इस पॉइंट पी पे कि वो जीरो है फॉर एनी सेट ऑफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जो फील्ड बनेगा, जो करंट इसमें जाएगा, वो फील्ड यहाँ बनेगा, वो फील्ड इसके कारण ज़्यादा बनेगा, इससे ब्रांच के कारण, इसके कारण ज़्यादा बनेगा, इसके कारण ज़्यादा बनेगा, क्योंकि करंट कंडक्टर में फ्लो होता है। अगर आप इसमें ध्यान से देखो विटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग, किरचॉफ के रूल अगर हम अप्लाई करते हैं, तो आप किरचॉफ के रूल से भी कर सकते हो, तो फाइनल वोल्टेज जीरो आएगी, मतलब नेट इसका जो वोल्टेज रूल है वो जीरो के बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। अब वैसे आप चेक कर सकते हो, देखो यहाँ क्या है 5 वोल्ट, यहाँ क्या है 5 वोल्ट। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है हमने कि जब भी पोटेंशियल में डिफरेंस होता है करंट तभी ही फ्लो होता है, तब फ्लो होगा जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। अब देखिए यहाँ का पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट, तो करंट लागू होगा, करंट फ्लो होगा, आंसर है नो, तो देर इज नो करंट, नो करंट। कहाँ पे? इस डायरेक्शन में। इधर आइए, इधर भी 5 वोल्ट है, इधर भी 5 वोल्ट है, यहाँ पे लागू होगा करंट, आंसर है नो, इधर भी क्रॉस है, इधर भी क्रॉस है, कहीं भी करंट फ्लो नहीं होता। और हमें पता है कि करंट अगर फ्लो नहीं होता तो बी आई पे डिपेंड करता है, जब आई जीरो हो गया तो बी भी क्या हो जाएगा, दैट्स ऑल, बी भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल इज सेम और करंट इज नीड टू पोटेंशियल डिफरेंस, उसको क्या जरूरत है, पोटेंशियल में डिफरेंस की जरूरत है, तभी करंट फ्लो होता है। थैंक यू।